वेलकम टू लोकल स्कूल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने वोकैबलरी की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम इंपॉर्टेंट वोकैब को कवर कर रहे हैं ए टू जेड तक। सो चलिए उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें एल से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, वो है लेसरेट। देखिए फ्रेंड्स, आपने बताना है कौन से तीन वर्ड लेसरेट के सिमिलर वर्ड है और कौन सा एक वर्ड लेसरेट का विपरीत है, इसका एंटोनियम है। आपने ये गेस करना है, आपके पास 5 सेकंड है। आपका गैस वर्क इजी रहे इसलिए हमने जो एग्जांपल दिए हैं इसे पढ़े और गैस करने की कोशिश करें। हाँ जी फ्रेंड्स, देखिए लेसरेट का मीनिंग होता है, अगर मैं अपनी भाषा में बताएं, लेसरेट का मीनिंग होता है चीर देना, किसी को काट देना, चीर देना। सो कौन से तीन वर्ड इसके सिमिलर है, देखिए स्लैश, मैंगल एंड टीयर, ये तीनों वर्ड इसके सिमिलर है। और अनइंजोर जे इसका विपरीत वर्ड था। अनइंजोर मतलब उसकी कोई चोट नहीं आई, अनइंजोर्ड है वो, ठीक है। लेसरेट मतलब होता है भी चीर जाना, कोई चरीट पै जाना या कुछ हो, ऐसी कोई कट वगैरह पड़ जाना, उसे कहते हैं लेसरेट। देखिए यह पढ़ते हैं, इसको एग्जांपल को देख कर ही क्लियर हो जाएगा ये। द ब्रोकन ग्लास, जो टूटा हुआ ग्लास है, लेसरेटेड हिज फीट, उसने लेसरेट कर दिया एक मतलब कि थोड़ा सा कट लगा दिया उसके पैर पर। सो आई होप आपको लेसरेट का मीनिंग क्लियर होगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। तो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लिविड। देखिए फ्रेंड्स, लिविड क्या है, तो वही सेम पैटर्न, आपके पास 5 सेकंड है, करेंगे कौन से तीन वर्ड लिविड के सिमिलर है और कौन सा एक वर्ड इसका विपरीत है। हाँ जी फ्रेंड्स, देखिए इस एग्जांपल को पढ़ते हैं। शी इज लिविड, वह लिविड है। दैट आई हैव इन्वाइटेड राहुल, बिकॉज मैंने राहुल को इन्वाइट किया है। सो लिविड क्या हो, किसी को इनवाइट करने से कोई क्या होगा, या तो खुश होगा या फिर दुखी होगा। लिविड क्या है, उसे गुस्सा आ रहा है। लिविड का मीनिंग होता है गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा गुस्सा। सो कौन से तीन वर्ड इसके सिमिलर थे वो देख लीजिए। पहला था एक्सट्रीमली एंग्री, इन्फ्यूरिएट एंड रेज, ये तीनों वर्ड इसके सिमिलर थे। इन तीनों का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा। इलेट क्या होता है, इलेट होता है बहुत ज़्यादा खुशी। सो ये क्या था, लिविड का विपरीत वर्ड था, इसका एंटोनियम था। सो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या क्या है। नेक्स्ट वर्ड है जो ल्यूरिड, जो आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है ल्यूरिड। आपने बताना है कौन से तीन वर्ड ल्यूरिड के सिमिलर है और कौन सा एक इसके विपरीत है। टेक योर 5 सेकंड एंड टेल मी व्हाट यू गेस। हाँ जी फ्रेंड्स, चलो पढ़ते हैं इस एग्जांपल को। शी वॉज वीरिंग ए ल्यूरिड ऑरेंज एंड ग्रीन सूट, उसने पहना हुआ था, क्या पहना हुआ था, लिविड ऑरेंज एंड ग्रीन सूट। सो देखिए ल्यूरिड का क्या मीनिंग निकल कर आता है, ल्यूरिड उसने ऑरेंज एंड ग्रीन सूट पहना हुआ था, वो भी ल्यूरिड था। ल्यूरिड होता है चमकना, चमकीला, मतलब कि थोड़ा बड़कीला सा, उसे कहते हैं जो कलर थोड़ा बड़कीला सा। कौन से तीन वर्ड इसके सिमिलर हैं वो देख लिए। ओवर ब्राइट, जो ज़्यादा ही ब्राइट हो। फ्लोरोसेंट भी सेम होता है। और वायलेंट, जिसे देख कर गुस्सा आ जाए, वायलेंट बड़कीला सा हो, वो तीनों उसका इसका मतलब क्या, ल्यूरिड के ये तीनों वर्ड सिमिलर हैं, ओवर ब्राइट, फ्लोरोसेंट एंड वायलेंट। नॉन वायलेंट इसका नॉन विपरीत वर्ड था, इसका एंटोनियम था ल्यूरिड का। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लकोनिक। लकोनिक नेक्स्ट वर्ड है। टेक योर 5 सेकंड एंड टेल मी विच 3 वर्ड आर सिमिलर टू लकोनिक एंड विच 1 इज अपोजिट ऑफ इट। हाँ जी फ्रेंड्स, लकोनिक क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। पहले तो ही सेंट मी, उसने मुझे सेंड किया, क्या सेंड किया, ए लकोनिक प्राइवेट मैसेज, एक लकोनिक प्राइवेट मैसेज। लकोनिक अगर हम हिंदी में बताएं तो संक्षेप, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन कहते हैं ना, जिसे ब्रीफ, संक्षेप मतलब कि एक निचोड़ निकाल कर हमें बता दिया गया है, उसे लकोनिक कहते हैं। कम शब्द यूज़ कर सारी बात बता देना, उसे लकोनिक कहते हैं। सो लकोनिक कौन से तीन वर्ड सिमिलर है, एक तो गया ब्रीफ, उसके बाद है पीथी एंड एक है टैक्टिडर्न। ये तीनों वर्ड लकोनिक के सिमिलर है। ऐसे लकोनिक का मीनिंग क्या होता है, एक्सप्रेस इन फ्यू वर्ड, मतलब कि थोड़े से शब्दों में ही अपनी बात को कह देना, लकोनिक मतलब यह होता है। गैरलस, गैरलस इसका विपरीत वर्ड है। गैरलस का क्या मीनिंग होता है, जो बहुत बातें करता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बोलता है, उसे गैरलस कहते हैं। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लिम्पिड। फ्रेंड्स, लिम्पिड जो नेक्स्ट वर्ड है वो लिम्पिड। टेक योर 5 सेकंड एंड टेल मी विच 3 वर्ड आर सिमिलर टू लिम्पिड एंड विच 1 इज एंटोनिम ऑफ इट। हाँ जी फ्रेंड्स, देखिए इस एग्जांपल को पढ़ते हैं। 90% तो इस एग्जांपल को देखकर ही क्लियर हो जाएगा कि क्या मीनिंग है।
बिकॉज द स्काई वॉज नॉट लिम्पिड, जो स्काई था आसमान था वो लिम्पिड नहीं था, वी कुड नॉट सी द स्टार, इसीलिए हमें स्टार नहीं देख पाए, हम स्टार्स को नहीं देख पाए। सो लिम्पिड क्या, अभी स्काई क्या था, क्लियर नहीं था, लिम्पिड का मीनिंग क्या निकल कर रहा है, क्लियर। सो एक तो क्लियर हो गया इसका सिनोनिम, दूसरा ट्रांसपेरेंट, उनके दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसा नहीं था। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, पारदर्शी, जिसमें दिखाई दे सब कुछ, क्लियर। ट्रांसलेंट, ये तीनों वर्ड क्या थे, लिम्पिड के सिमिलर वर्ड है, ये लिम्पिड का वैसे मीनिंग होता है मतलब कि क्लियर। सो वहाँ यहाँ पर क्या लिखा है, स्काई वॉज नॉट लिम्पिड, स्काई वॉज नॉट क्लियर, आसमान क्लियर क्यों नहीं था, ये क्लियर नहीं था इसीलिए हमने स्टार्स को हमें दिखाई नहीं दिए। जो सा इसका विपरीत वर्ड है वह मडी, मडी होता है गंदा, मतलब कि कुछ मड लग जाना, मतलब कि ऐसा कहना, क्या कहते हैं, कीचड़ वगैरह लग जाना, मतलब कि उससे गंदा हो जाना, तो वो ट्रांसपेरेंसी को रोक देता है ना, क्लियर नहीं रहता, तो इसलिए जो इसका विपरीत वर्ड है लिम्पिड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, लैंग्विड। हाँ जी फ्रेंड्स, लैंग्विड क्या है, सो देखिए चार ऑप्शन में से तीन इसकी वो सिमिलर है और एक इसका विपरीत वर्ड है। टेक योर 5 सेकंड एंड टेल मी विच 3 आर सिमिलर टू दिस एंड विच वन इज एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड। हाँ जी फ्रेंड्स, तो क्या गैस किया आपने, देखिए एग्जांपल को पढ़ते हैं। द इलनेस मेड हिम फील लैंग्विड, जो उसकी बीमारी है उसने उसे बना दिया, क्या बना दिया, उसे फील ऐसा हो रहा है जो उसकी इलनेस के बाद कि वो लैंग्विड है। लैंग्विड क्या होता है वैसे, लैंग्विड का मीनिंग होता है सुस्त, लिथार्जिक। जो कौन से तीन वर्ड इसके सिमिलर है वो देख लीजिए, लिथार्जिक, स्लोथफुल एंड स्लगिश। ये तीनों वर्ड का मतलब होता है आल्स, सुस्त, सुस्त व्यक्ति जिसमें एक्टिवनेस नहीं है। सो लैंग्विड भी इसी का, इसके सिनोनिम है। लैंग्विड मतलब क्या होता है, सुस्त व्यक्ति, डल एंड मूविंग स्लो, जो स्लो मूव कर रहा हो, जो स्लो काम कर रहा हो। एजाइल, एजाइल क्या होता है, अजाइल होता है चुस्त व्यक्ति, जो पूरा फुर्तीला हो उसे कहते हैं अजाइल। सो लैंग्विड आज का जो मीनिंग, लास्ट मीनिंग था वो लैंग्विड था। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।